बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। बनीनद न्यूज से मैं हूं अबू जर गफारी। पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को मुतनाजा ट्वीट के मामले पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुतनाजा ट्वीट करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक आजम सवाती के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्हें अदारों के खिलाफ मुतनाजा ट्वीट्स पर वफाकी तहकीकाती अदारे FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA ने आजम सवाती को चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। पीटीआई सेनेटर ने पाक फौज के आला अफसरान को सोशल मीडिया पर गालियां दी थीं। वाज़ेह रहे कि सेनेटर आजम सवाती ने पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इन अफसरान के खिलाफ हर कानूनी और इखलाकी फोरम का इस्तेमाल करूंगा। पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को मुतनाजा ट्वीट के मामले पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुतनाजा ट्वीट करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक आजम सवाती के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्हें अदारों के खिलाफ मुतनाजा ट्वीट्स पर वफाकी तहकीकाती अदारे FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA ने आजम सवाती को चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। पीटीआई सेनेटर ने पाक फौज के आला अफसरान को सोशल मीडिया पर गालियां दी थीं। वाज़ेह रहे कि सेनेटर आजम सवाती ने पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इन अफसरान के खिलाफ हर कानूनी और इखलाकी फोरम का इस्तेमाल करूंगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू जर गफारी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।